अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुगलाई रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कलेजी। और जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कलेजी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आइए देखते हैं कलेजी बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। मटन कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और हमने इन्हें ग्राइंड कर लिए। ये है हमारा 2-3 टेबलस्पून कर दही, और एक प्याज हमने स्लाइस्ड कर लिए है, बारीक बारीक काट लिए। और ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हमारे 2-3 स्पून है। खड़े मसाले में यहाँ पर हमने लिए हैं 2 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 6 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, और 3-4 लौंगे। और ये है हमारे 2 तेजपत्त के पत्ते, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 3-4 टेबल स्पून कॉरियंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मटन कलेजी है, ये हमारी क्वांटिटी 1 केजी की है इसकी, और हमने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसे बारीक बारीक ठीक से अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है क्यूबिक साइज। तो ये हमने ले लिया है ये वाला 3-4 स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और अब हम इसमें डाल देते हैं खड़े गरम मसाले, और खड़े गरम मसाले के बाद हम इसमें डाल देंगे स्लाइस अनियन, जो हमने बारीक बारीक अनियन काटी थी, और अच्छी तरीके से चला लें। और जब गोल्डन ब्राउन होने का वेट करें, तेज पात के पत्ते भी डाल दीजिए। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं मटन कलेजी। अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं अदरक लहसुन के पेस्ट आने के बाद, और अब हम इसमें डाल देते हैं सारा मसाला जितने भी है। और मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से आप इसे चला लें। अब हम इसमें डाल देते हैं अनियन पेस्ट। अच्छी तरीके से इसे चला लें। अब हम इसमें डाल लेंगे दही। दही डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लीजिएगा। यहाँ पर हमने कुछ हाफ कप वाटर लिया है। दही और पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे चला लें। अब चलाने के बाद आप इसमें विसल लगा दीजिएगा, कवर कर दीजिए, उसके बाद इसे विसल लगा दीजिएगा। कम से कम हम इसमें 2-3 विसल लगाएंगे, उसके बाद पहले चेक करेंगे, अगर नीड होगी तो और विसल लग जाएगी, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी मटन कलेजी के पीसेस गले या नहीं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ा पहले भून लेंगे। पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चला दीजिए। और चलाने के बाद हम इसे 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर बॉईल आ चुका है अच्छी तरीके से। स्टोव बंद कर दीजिए, और मटन कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो वो हमारा मटन कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसमें गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से डाल देते हैं कोरिएंडर लीव्स। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।